नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल बचियाला। इस वक्त मौजूद है उधमपुर गवर्नमेंट हाई गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, इसमें दुकानदार भी हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है, अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पर लोग आए हैं, अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। जिस तरह से लगातार लंबे समय से इंतज़ार था कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे और आज वो दिन आ गया है। लगातार आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन में भी जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों की लगातार कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, लगातार अपने आप को वैक्सीनेट करवाते नज़र आ रहे हैं। व्यापार मंडल की टीम यहाँ पर है, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर है और कहीं ना कहीं खालसा टीम की अगर मैं बात करूँ तो वो लगातार जिस तरह से हम लगातार बताते हैं कि किस तरह से सुबह से शाम तक अलग अलग चौक चौराहों पर जो जहाँ पर भी पुलिस की तैनाती होती है, सिविल डिफेंस के लोग खड़े मौजूद होते हैं, जहाँ पर भी ये सेवा दे सके वहाँ ये जाकर अपनी अपनी सेवाएँ देते हैं। फिर मैं अब दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको कल भी बताया था, इसी जगह यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है व्यक्ति को कि कहाँ से है, क्या है, आधार कार्ड यहाँ पर लिंक किया जाता है, उसके बाद ही अंदर जो है यहाँ पर उस व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाता है। ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, साफ तस्वीरें ये है जहाँ पर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाता है। हर जगह लंबी कतारें लगती नज़र आ रही हैं कि इस वक्त काफ़ी लंबे से लोगों को इंतज़ार था कि हमें वैक्सीनेट किया जाएगा, आज वो दिन आ गया, आज तीसरा दिन है वैक्सीनेट का। तो आज तीसरे दिन भी जारी है, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई है, लगातार लोगों को जागरूक भी करती है, नियम भी बताती है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब मैं कुछ ना कुछ थोड़े विजुअल आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, ये खालसा टीम का काम है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से हर जगह हर जहाँ जहाँ वैक्सीनेट के सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर जाकर उन्हें सैनिटाइज किया जाता है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल जी, पहले तो आपका शेर समाचार में स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। कितना अच्छा निर्णय मानते हैं जिसको कि व्यापारियों को भी अब टाइम दिया गया है वैक्सीनेट करवाने वाला, आज तीसरा दिन जारी है, तीसरे दिन भी लंबी कतारों में व्यापारी वर्ग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए एलजी साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि व्यापारी वर्ग को उन्होंने हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा है, उनको प्रायोरिटी दी गई है कि वो वैक्सीनेट करवाएँ, उनके जो कर्मचारी हैं वो वैक्सीनेट करवाएँ, तो बहुत उनका धन्यवाद करते हैं, बहुत खुशी की बात है व्यापारियों के लिए। तो व्यापारी वर्ग चल रहा है, हम व्यापारियों को आगाह कर रहे हैं कि आइए वैक्सीनेट करवाइए, तो बड़े अच्छे से काम चल रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए, आपको नहीं लगता जिन लोगों को अभी तक वैक्सीनेट कर दिया गया है उनकी दुकानें कहीं ना कहीं खोल देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कई दिन हो चुके हैं, कई हफ्ते हो चुके हैं, उन्हें जो है व्यापारी अपने अपने घरों में बैठे हैं, काफ़ी परेशानियों की दिक्कतों का सामना वो कर रहे हैं। स्वप्निल जी देखिए, व्यापारी वर्ग की अगर मैं बात करूँ तो एक दुकानदार एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान खुली होना और उसमें उसका बैठना उसके लिए सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर व्यापारी दुकान पे बैठा है ना तो उसकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती जाती है। घर में बैठे बैठे हमारे बहुत से व्यापारी डिप्रेशन में चले गए हैं, तो इसके रिगार्डिंग डीसी मैडम से बात हो गई है। व्यापारी वर्ग को एक चीज़ साफ बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, आने वाले एतवार के बाद नॉन असेंशियल्स जो हैं उनकी भी कैटेगरी जो है रोस्टर वाइज खुलने जा रही है। धीरे धीरे हर एक दुकान को टाइम मिलेगा, बारी बारी खुलेगा। सवाल करना जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के होने के नाते आप क्या अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हमें भी काफ़ी लोगों ने अपील की है, डीसी मैम से अपील की कि कहीं ना कहीं जो दुकानदारों के किराए हैं, बैंक की किस्तें हैं, वो कहीं ना कहीं डिले की जाए या माफ़ की जाए, क्योंकि इस कोरोना काल में सभी की दुकानें बंद थी, कोई कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाना खाने को नहीं मिल रहा, वो आखिरकार किराए कहाँ से निकालेंगे, बैंक की किस्तें कहाँ से निकालेंगे। देखिए स्वप्निल जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अपने व्यापारी वर्ग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर हमारे किसी व्यापारी भाई को कोई भी दिक्कत है, कोई राशन की दिक्कत है, कोई कहीं पर दिक्कत है, वो शर्माए नहीं, ना ही हमने कोई फ़ोटो खिंचाना है, ना ही किसी को बताना है, हमारे फ़ोन नंबर्स व्हाट्सएप में भी हैं, हर जगह हैं, वो हमें बता सकता है, उसकी दिक्कत दूर की जाएगी। रही बात जो किरायों की बैंक इंस्टॉलमेंट की, उसके लिए जो पत्राचार्य है, जो मेमोरेंडम्स हैं, वो शुरू कर दिए गए हैं भेजना, मोदी सरकार तक भेज दिए जाएंगे। कोशिश रहेगी कि व्यापारी को एक पैकेज मिले, राहत पैकेज मिले, और आप न्यूज़ देखिए टीवी में, राहत पैकेज में वित्त मंत्रालय का काम शुरू हो गया,
तो देखते हैं क्या करते हैं, उसमें मतलब कुछ ना कुछ राहत जरूर आएगी जी। धन्यवाद जी। मेरे साथ व्यापारी वर्ग भी मेरे साथ मौजूद, से बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लंबे का लंबे से समय वो था, आपको इंतज़ार था कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे, और आज वो दिन आ गया है, आज आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाने हैं। कितना अच्छा लग रहा है, क्या क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, पहले तो मेडिकल अफसर जितने भी सबको हो रही थी, तो हम लोगों को शुरू हुई है, तो लोग अक्सर जब मार्केट में आएंगे तो इंट्रैक्शन हम लोगों से होना, तो उसके लिए हमें जरूरी था। तो देखिए, आप भी अपने आप को वरीर मानते हैं, कोरोना वरीर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप भी दुकानदार हैं, आपने भी लोगों से इंट्रैक्शन करनी है। हाँ बिल्कुल, इंट्रैक्शन होनी है। तो फिर तो बाकी लोगों से, बाकी दुकानदारों से क्या अपील करना चाहेंगे? कुछ लोग हमें अभी भी ऐसे हैं जो वैक्सीनेट करवाते डर रहे हैं। नहीं, वैक्सीनेशन सबको करवानी चाहिए, वैक्सीनेशन के बाद ही आप लोग आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो आगे और मुश्किल हो जाएगा। आप फिर देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतारों में, काफ़ी लंबे से इंतज़ार था लोगों को, व्यापारी वर्गों को, कि हमें भी वैक्सीनेट किया जाए, और आज वो तीसरा दिन लगातार जारी है। किस तरह से लंबी कतारों में लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने आप को वैक्सीनेट करवाने यहाँ पर आए हैं। टीम खालसा के प्रधान भी मेरे साथ मौजूद हैं। खालसा साहब नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मैं लगातार लाइव करते हुए आपके साथ इंटरेक्शन ज़रूर करता हूँ, क्योंकि लगातार आपके द्वारा हर चौक चौराहों पर जो भी पुलिस के लोग तैनात रहते हैं, सिविल डिफेंस के लोग तैनात रहते हैं, जगह जगह जहाँ भी आप वहाँ पर जाकर सुबह भी, शाम को भी और रात को भी कुछ ना कुछ उन्हें प्रोवाइड करते हैं, कितना अच्छा महसूस होता है, और बाकी लोगों को क्या आप संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे टीम के सदस्य हैं, जो लड़के लोग हैं, सुबह सुबह देखिए शौक रहता है बच्चों को, छोटी आयु में है, अगर हम सीधे रास्ते इन्हें लगाएंगे तो नेचुरली वो लोग सीधे रास्ते पर चलते हैं, तो सुबह सुबह ही हमारी टीम के सदस्य हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा वॉलेंटियर हैं कि उन्हें जो है हर बार जो है चेंज करके भेजना पड़ता है, तो बेसिकली क्या है कि सुबह सुबह यही बच्चे लोग आते हैं, सब ये नींबू पानी बनाना या शाम की चाय के लिए बंदोबस्त करना, उसके साथ स्नैक्स के लिए बंदोबस्त करना, ये सभी जो है यही लोग करते हैं। दूसरी बात रही कि कहीं ना कहीं जो है लोगों में ये भावना रहनी चाहिए कि इस कोविड के टाइम पे देखिए मार्केट्स बंद रहती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल मुझे किसी काम से हमारी एक जो फ्यूमिकेशन मशीन थी वो ख़राब थी, तो मुझे पानी का गिलास तो दूर की बात है, एक घूंट जो है पीने के लिए पूरे जम्मू में कहीं पे दिखाई नहीं दिया कि कोई पानी का घूंट किसी को पिला रहा हो या कहीं मिल जाए, उसके लिए हम लोग तड़फ गए। तो जहाँ तक हमारा ये कोशिश रहेगी कि जब आज तो हम इस सेंटर से हमने शुरू किया है, क्योंकि सेंटर में अभी दो दिन दूंगे लगते हुए, मार्केट में हमारी टीम चलती रहती है, तो नेचुरली हम लोग जो है इसके बाद जो है कल से आपको जो चार सेंटर बने हैं जहाँ पे ये वैक्सीनेशन हो रही है, चारों सेंटर्स में लोगों को कम से कम पानी की सुविधा, नींबू पानी की सुविधा हम लोग जरूर देंगे, ताकि ये लोग भी जो है काफ़ी देर से धूप में, क्योंकि वेटिंग पीरियड काफ़ी है, वेटिंग टाइम काफ़ी है, तो हमारी टीम जो है इस काम में हमेशा लगी, पहले भी लगी रहती है, आगे भी लगी रहेगी। जी धन्यवाद जी। आपको बताते चलें, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, एम्प्लॉयज़ हो या अन्य लोग हों, इस सिचुएशन में एकजुट रहना है हमें। ये मत सोचिए, जिस तरह से मैं लगातार बोलता हूँ इस वक्त, ये मत सोचिए कि वो नेता क्या कर रहा है, वो सोशल एक्टिविस्ट क्या कर रहा है। इस वक्त हमें ये चाहिए कि हम कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के साथ चले, ताकि हम इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ सकें। व्यापार मंडल के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, आखिरकार कोशिश करेंगे। जी राहुल जी नमस्कार। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हमें देखने को मिले थे पहले, कि जो व्यापारी नहीं थे उनके परिवार लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीते दो दिन पहले भी हमने कई सेंटर्स ऐसे देखे, वहाँ पर हड़कंप मच गया जब उनके परिवार के लोग आए, क्योंकि जब जिला आयुक्त द्वारा एक कहा गया है कि सिर्फ व्यापारी वर्ग और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को ही यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाएगा। देखिए सर, ऐसा है कि बाकी सेंटर्स का तो मुझे पता नहीं, मेरा अपने सेंटर में आप देखिए, हमने पहले दिन 163-165 बंदों को लगाया था, दूसरे दिन हमने 300 के करीब बंदों को लगवाया था। हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम कोई रश नहीं डाल रहे हैं, हमारा पहला मेन मकसद जो है जिसको हाई रिस्क है, जो दुकान पे बैठता है खुद, उसके साथ जो वर्कर है। अब आप देखिए कोरोना के चलते दुकानों में वर्कर्स जिसके पास 10 थे उसने वर्कर्स कर दिए दो, अब जब वो अपने वर्कर्स करता है दो, तो नेचुरल वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करेगा दुकान पर, तो कहीं ना कहीं वो भी हाई रिस्क पे होते हैं। तो जेन्युइन केसेस जहाँ पर हमें पता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने वॉलंटियर्स की टीम बिठाई है, मेरे पास जो एरिया, जैसे ये रामनगर चौक है, महेश है मेरे पास, वो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने दुकान करता है, पंकज है, तरुण धर्मानी है गोल मार्केट के, विकास शर्मा जी हैं, मैंने हर एक जगह का अपना अपना वॉलेंटियर बनाया, जो देखे जेन्युइन केसेस है वो लेडीज दुकान पे बैठती है, हम अपने सेंटर में हम उन्हीं को लगवा रहे हैं। बाकी मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि कोई पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही सबके लिए ओपन करने वाली है, तो जो व्यापारी वर्ग है हाई रिस्क पे है, डायरेक्ट पब्लिक से उसका कनेक्शन होता है,
कहीं सारे जगह इन्फेक्शन नहीं फैल जाए, उसी के लिए इनको लग रहा है। तो कृपया करके अपना सहयोग दीजिए हर एक सेंटर पे, मैं नहीं कहता अपने सेंटर पे, हर एक सेंटर पे इतना रश ना डालिए ताकि आगे सेंटर वालों को प्रॉब्लम आए। जी आपको बताते चलें, जिस तरह से मैं लगातार लोगों से अपील करता हूँ, अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी गरीब परिवार है, गरीब व्यक्ति है, उसके पास ज़रूर जाएं, उसका हाल ज़रूर पूछें। किसी भी चीज़ की उसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उसे वो वितरित करें ताकि उसे अपने गरीबीपन का एहसास ना हो। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।